हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल वेब। दोस्तों आज का वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकर आया हूं मैं। जो आप एमसीसीबी या सर्किट ब्रेकर के ऊपर देखते होंगे बहुत सारा वर्ड लिखा होता है, उसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में, चलिए आज के वीडियो में हम वही जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्किट ब्रेकर का रेटिंग का डिटेल। हमारा जो भी ब्रेकर होता है सर्किट का, उसका रेटिंग क्या होते हैं, उसके डिटेल में क्या होते हैं। तो दोस्तों सर्किट ब्रेकर का रेटिंग डिटेल जानने के लिए आपको जो है सबसे पहले यहाँ चलते हैं कि उसमें दो चीज का रेटिंग का डिटेल लिखा रहता है सर्किट ब्रेकर में, एक करंट से रिलेटेड और दूसरा जो रहता है वो वोल्टेज से रिलेटेड लिखा रहता है। करंट से रिलेटेड जो भी लिखा रहता है वो होता है आईयू, आईसीयू, आईसीएस, आईसीडब्ल्यू और आईसीएम, और वोल्टेज से जो रिलेटेड रहता है वो रहता है यूई, यूआई और यूआईएमपी। तो इसका एक एक करके जो है सारा हम एनालिसिस करेंगे कि किसका मतलब क्या होता है और ब्रेकर के ऊपर ये लिखा क्यों होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं आईयू के ऊपर। तो इसका मतलब होता है दोस्तों हमारा नॉमिनल करंट, जो भी हमारा ब्रेकर है उसका नॉमिनल करंट जो भी है, जैसे कि 800 एम्पीयर का ब्रेकर है या 2000 एम्पीयर का ब्रेकर है या 4000 एम्पीयर का ब्रेकर है, जितने एम्पीयर का ब्रेकर है या एमसीसीबी है 125 एम्पीयर का या 250 एम्पीयर का, जितने एम्पीयर का है वो आईयू में एक्सप्रेस किया हुआ रहता है, जो आपको लिखा रहेगा आईयू में। अब आते हैं दोस्तों आईसीयू। आईसीयू का मतलब हुआ अल्टीमेट ब्रेकिंग कैपेसिटी, यानी ब्रेकर का कोई भी जब शॉर्ट सर्किट होता है, जब भी कोई फॉल्ट कंडीशन आता है, तो फॉल्ट कंडीशन के टाइम में कितने एम्पियर तक वो करंट अपने अंदर फॉलो होने देगा विदाउट डैमेज, ब्रेकर को बिना कुछ नुकसान पहुंचाए हुए, उसको हम लिखते हैं आईसीयू, यानी ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ ब्रेकर। और ये हमेशा किलो एम्पियर में एक्सप्रेस रहता है। कभी भी आप ब्रेकर का नेम प्लेट चलेंगे, जो कि स्क्रीन के ऊपर मैं नेम प्लेट आपको दिखाऊंगा, फिर उसमें आप याद देखेंगे कि किलो एम्पियर में इसका जो है ब्रेकिंग कैपेसिटी रहता है। आईसीएस, आईसीएस का मतलब होता है दोस्तों शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी इसका ब्रेकर का होता है, जो कि सर्विस के टाइम का होता है। शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी सर्विस के टाइम क्या होता है, हमारा ब्रेकर जब भी आप देखते हैं कि ब्रेकर को एक समय टेस्टिंग किया जाता है, जब भी लैब में जब भी ब्रेकर को बनाया जाता है, तो उस समय जो भी उसका टेस्टिंग का कितने किलो एम्पियर तक उसको ले गया हाईएस्ट, उस चीज को जो हम एक्सप्रेस करते हैं उसको हम आईसीएस तक लिखते हैं। तो आईसीएस जो होता है क्या होता है, हमेशा परसेंटेज में भी लिखा होता है। दोस्तों ये एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे परसेंटेज में लिखा होता है। सपोज कीजिए कि आईसीयू आपका जो है वो 40 किलो एम्पियर तक का है और आईसीएस भी 40 किलो एम्पियर है, इसका मतलब हुआ कि 40 किलो एम्पियर तक फैक्ट्री में टेस्टिंग के टाइम में हम उसमें करंट पास करा के देखे, तो इसका क्या हो गया, ये 100% हो गया हमारा आईसीएस, यानी आईसीएस जो हो गया आईसीयू का 100% हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है ये 20 किलो एम्पियर तक जाके सेटिंग किया हुआ रहता है, तो आप इसको 50% भी आईसीएस में देख पाएंगे, और ये हमेशा परसेंटेज में रहता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है आईसीडब्ल्यू, ये होता है दोस्तों शॉर्ट सर्किट विथ स्टैंड कैपेसिटी ऑफ ब्रेकर, विथ स्टैंड कैपेसिटी ऑफ ब्रेकर जो शॉर्ट सर्किट का होता है। कभी भी अगर आपके ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट हुआ या कोई फॉल्ट हुआ, नॉर्मल फॉल्ट हुआ, तो उसमें क्या होता है ब्रेकर सडनली ट्रिप नहीं होता है, उसको कुछ मिली सेकेंड या सेकेंड का टाइम चाहिए ब्रेकर को ट्रिप होने में। तो इतना टाइम तक हमारा फॉल्ट कैरी कर पाएगा कि नहीं ब्रेकर, इतना टाइम तक कितना करंट कैरी कर पाएगा हमारा ब्रेकर ट्रिप होने के लिए, ये दोनों चीजें जो होती है वो आईसीडब्ल्यू में लिखा होता है, आईसीडब्ल्यू में एक्सप्रेस किया होता है। और ये जितना रहेगा, सपोज कीजिए ये 10 किलो एम्पियर लिखा हुआ है, तो इतना किलो एम्पियर तक और कितने सेकेंड, इसका नॉर्मली 0.1 से 3 सेकेंड, यानी ये हो गया 0.1 मिली सेकेंड हो गया, मिली सेकेंड से 3 सेकेंड तक, इतना टाइम तक आपका जो है इतना फॉल्ट करंट ब्रेकर पास कराने देगा, इसका मतलब आईसीडब्ल्यू का मतलब यही हुआ। लास्ट में आता है आईसीएम, ये होता है दोस्तों ब्रेकर का मेकिंग कैपेसिटी, जो नॉर्मली 1.5 टू 2.2 टाइम्स तक ज्यादा होता है हमारा ब्रेकर का ब्रेकिंग कैपेसिटी का मेकिंग कैपेसिटी जो हम फैक्ट्री में मेक करते हैं, इसके इतना टाइम तक लगभग ज्यादा करके आते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं वोल्टेज रिलेटेड, उसमें जो लिखा होता है, तो दोस्तों सबसे पहले लिखा रहता है यूई, जो आपका हो गया नॉमिनल वोल्टेज। नॉमिनल वोल्टेज दोस्तों जैसे कि 415 वोल्ट पे आप यूज कर रहे हैं या 11 केवी पे यूज कर रहे हैं, जो भी आपका नॉमिनल वोल्टेज हुआ यूई में एक्सप्रेस किया हुआ रहता है। और यूआई दोस्तों हो जाता है उस ब्रेकर का, उस सर्किट ब्रेकर का इंसुलेशन लेवल का वोल्टेज, क्योंकि कोई भी चीज जब हम अपना ब्रेकर को बनाते हैं तो उसका इंसुलेटेड पार्ट कितना वोल्टेज तक विदस्टैंड कर सकता है, जो कि यूआई में एक्सप्रेस किया हुआ रहता है। नॉर्मल आप नेम प्लेट में देखेंगे वो 690 वोल्ट तक लिखा रहता है, 415 वोल्ट वाला का यूआई जो है 690 वोल्ट में लिखा रहता है। और तीसरा दोस्तों यूआईएमपी, जो कि हमारा इंपल्स वोल्टेज होता है,
किसी भी सर्किट ब्रेकर का जो नॉर्मल हमारा टेस्टिंग के टाइम में यूज होता है। टेस्टिंग के टाइम में हम देखते हैं वोल्टेज को कि कितना ज्यादा वोल्टेज हम फीड कर पाते हैं ब्रेकर को बिना डैमेज किए हुए, जो है हमारा वोल्टेज जो ब्रेकर है वो चलता है। तो दोस्तों ये था सर्किट ब्रेकर का रेटिंग का डिटेल, जो कि मैं आपको नेम प्लेट के द्वारा भी दिखा दूंगा और समझा दूंगा। तो अब तक मेरे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।